हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली बहुत लंबे समय तक वेट करने के बाद अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट की मॉडिफाइड एलिजिबिलिटी भी आ गई है और पोस्ट जो है एक्सपेक्टेड हैं बहुत जल्द एडवर्टाइजमेंट के लिए। सो आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस जो कि अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है जेके SSB की तरफ से, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस जो होगा कंसीडरिंग द फैक्ट कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड करने हैं इनको। सो मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस जो है अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए इट इंक्लूड्स वेरियस कंपोनेंट्स लाइक जैसे कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, और इसके साथ साथ जिसमें कि इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, न्यूज़पेपर वर्ल्ड, लैंग्वेज, एवरीडे साइंस, फेमस अवार्ड्स, क्लाइमेट, अच्छा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और साथ ही साथ बात करें जनरल साइंस की। जनरल साइंस इंक्लूड्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मैकेनिक्स, वोल्टेज करंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, लाइफ प्रोसेसेस, और इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, तो इसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना होगा। साथ ही एक और कंपोनेंट जो कि सिलेबस का पार्ट होगा वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसमें कि फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेस एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ईमेल और इंटरनेट। अगर बात करें तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स अकाउंट्स असिस्टेंट्स के लिए। इसके साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट जो कि इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा इस सिलेबस का, इसमें जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह हो सकता है: कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, बजटरी कंट्रोल, पर्सनल मैनेजमेंट, इवेल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग, कंज्यूमर बिहेवियर स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग इन इंडिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कुछ इस तरह से ये बिजनेस मैनेजमेंट का कंपोनेंट है जो कि ब्रॉड सिलेबस इसमें आ सकता है। इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना होगा। जो फ्रेंड्स आज ही से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इन कंपोनेंट्स को लेकर वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ साथ मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स कंपोनेंट भी इंक्लूड होगा सिलेबस में। उसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो जो टॉपिक्स हाईलाइट हो सकते हैं वो है प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशंस और बाकी जो टॉपिक्स हैं। सो फ्रेंड्स आइए नज़र डालते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे, जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू हुआ था फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, सो ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है ये 45 डेज के अंदर फास्ट ट्रैक बेस पे इनको कंप्लीट करनी है, जब फ्रॉम द डेट ऑफ जब से ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा। सो एक इसलिए प्रिपरेशन एडवांस से ही स्टार्ट करनी है एस्पायरेंट्स को, ताकि उनका टाइम फिर बहुत कम टाइम मिलेगा बाद में। इसके अलावा इसमें यह भी मेंशन किया गया है कि जो है ये इनकी पोस्टिंग होगी, इन पोस्ट्स की तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट कैडर में पोस्टिंग होगी, इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग हो सकती है। और इसके अलावा इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्चुअल ब्रेकअप जो है वो दिया गया है। ट्रेनिंग के बारे में भी मेंशन किया गया है, जो ट्रेनिंग है वो 2 साल की प्रोबेशनरी ट्रेनिंग इसमें रहेगी, और 2 साल की ट्रेनिंग, और इसमें से आपको एग्ज़ाम जो है इन 2 साल में 5 पेपर्स जो होंगे वो क्वालिफाई करना है। और कैडर का जैसे मैंने आपको बता दिया टेरिटोरियल लिमिट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में इसकी पोस्टिंग हो जाएगी, और सीनियरिटी जो है वो
जेएनके सिविल सर्विस एक्ट के थ्रू डिटरमाइन की जाएगी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस। सो इसमें मनी ट्रांजेक्शन्स की अकाउंटिंग इसमें जो है वो है ड्यूटी। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक्चुअल ब्रेकअप ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट जो है, इससे पहले जो एक्चुअल ब्रेकअप ऑफ पोस्ट नहीं था तो इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्चुअल ब्रेकअप इसमें मेंशन किया हुआ है। सो ये थी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये पोस्ट जो है एडवर्टाइज हो जाए ताकि एस्पायरेंट्स। सो एक और ज़रूरी अपडेट ये है कि अगर आपको क्योंकि फास्ट ट्रैक बेस पे इनको रिक्रूटमेंट करनी है, सो अगर आपको इसमें जो है पोस्ट सिक्योर करनी है तो आज ही से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि ये फास्ट ट्रैक बेस पे फिर रिक्रूटमेंट हो जाएगी। सो ये थी अपडेट रिगार्डिंग अकाउंट असिस्टेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।